विधानसभा सत्र का दूसरा दिन समाप्त होने के पश्चात उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही अच्छे तरीके से और शांतिपूर्ण रही। इस दौरान महिलाओं को सदन चलाने का मौका दिया गया, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राशन डिपो होल्डरों में महिलाओं की भागीदारी 33% रहेगी और सरकार इस पर कार्य भी कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने माना कि किसान आंदोलन के चलते प्रदेश में राई, बहादुरगढ़ सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों की औद्योगिक इकाइयों पर काफी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र से मांग करेंगे कि इस आंदोलन के चलते जो भी नुकसान हुआ है उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में कुछ छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से भी अपील करूंगा कि वो सरकार से बात करें, क्योंकि बातचीत से ही समाधान होगा। उन्होंने कहा कि हमने विधायकों को विकास कार्यों के लिए काफी फंड दिया है। दुष्यंत ने कहा कि हमने करीब 5 करोड़ रुपए हर विधानसभा क्षेत्र के लिए, जबकि आदर्श ग्राम योजना के तहत 1 करोड़ रुपए दिए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने ग्राम पंचायतों में पंचायत फंड के इस्तेमाल पर लगी रोक को हटाया है। अब 5 लाख रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं के लिए ई टेंडरिंग की जाएगी, जबकि 5 लाख रुपए तक के काम ग्राम पंचायत अपने स्तर पर करा सकेगी। दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा पर यमुना से कम पानी दिए जाने के आरोप के मामले में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड वालों को यमुना बैराज का दौरा जरूर करना चाहिए। पानी की कमी से अकेले दिल्ली को दिक्कत नहीं है, पानी की कमी की समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी आने वाली है। उन्होंने कहा कि टीवी पर रोने से दिल्ली की प्यास नहीं बुझेगी, इसके लिए हम सबको मिलकर विचार करना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दिल्ली सरकार को भी यमुना नदी पर बनने वाले लखवार, किसाऊ और रेणुका डैम में अपनी हिस्सेदारी डालनी चाहिए। इस दौरान जब दुष्यंत से उनकी पार्टी द्वारा किए गए वादों के पूरा होने संबंधी प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने कहा कि एक दिन में सारे वादे पूरे नहीं होते। हमारे 33 कॉमन प्रोजेक्ट थे, कुछ पर काम चल रहा है और बकाया भी जल्द पूरा करेंगे। जिस तरह का ऐतिहासिक कदम माननीय अध्यक्ष ने सभापति की कुर्सी पर 5 महिला विधायकों को बिठाने का काम और डिबेट की शुरुआत में महिला विधायकों के इनपुट से करवाई, मैं ये मानता हूँ कि अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन रहा है नारी शक्ति को ताकत देने का। और इस दिन हमारे लिए भी उत्साह की बात है कि हमने एक सवाल था राशन डिपोज का, उसके ऊपर ये निर्णय लिया है कि आने वाले समय में जितने भी राशन डिपोज अलॉट होंगे उसके अंदर 33% रिजर्वेशन हर नई अलॉटमेंट में महिला कैंडिडेट्स को करी जाएगी। और ये एक बदलाव हो जो प्राथमिक तौर पर अब तक शायद इतने बड़े नंबर पर किसी भी स्टेट ने अपनाने का काम नहीं किया। आने वाले समय में महिला शक्ति को ताकत देने हरियाणा अपनी ऐतिहासिक भूमिका दिखाई देता है। सर एक विषय और का आज फिर एक तरह से आया है कि भाई मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, हालांकि हमने जब बाहर बात की तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तो वो कांग्रेस के पक्ष में नजर नहीं आए, इतना बातों से समझा, लेकिन अपने क्षेत्र की प्रत्येक विधायक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 करोड़ रुपया जैसे मुख्यमंत्री ने पिछले वित्त वर्ष में अनाउंस किया था, हमने अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज से देने का काम किया। उसके साथ विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत भी प्रत्येक विधायक को 1 करोड़ रुपये सैंक्शन किया गया है। उसके साथ साथ अलग अलग परियोजना के अंदर तमाम विधायकों को उनकी जो डिमांड समय के अनुसार आई, मुझे लगता है पैसा मिला है। और यही उम्मीद करते हैं कि जो 12 तारीख को बजट आएगा उसके अंदर भी इसी प्रकार से हरियाणा के चौमुखी विकास के काम। दुष्यंत जी, क्या पंचायतों में कुछ बजट एलोकेट किया आपने एक्स्ट्रा 5 लाख का, 5 लाख रुपए तक के काम को रेक्टिफाई कर दूं? कई साथियों ने जी ये खबर है, कल आपको ब्रीफिंग दी थी कि हमने जो एक बैन लगा रखा था पंचायती फंड यूटिलाइजेशन उसको लिफ्ट किया, उसके अंदर मेरे सर पर नई प्रोविजन डाली है मेरे सर पर कि जितनी भी फंड एलोकेशन होगी अगर वो 5 लाख से ज़्यादा की है तो उसको ई टेंडरिंग प्रणाली द्वारा चलाया जाएगा, क्योंकि अब पंचायती टेन्योर खत्म हो चुका है PRIs का। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ग्राम सचिव, BDOs
और सीओ जिला परिषद के पास, वो उसको मॉनिटर भी करेंगे और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने का काम। दुष्यंत जी, दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष राघव चड्ढा कह रहे हैं हरियाणा हमारे हिस्से का कम पानी छोड़ रहा है, जिससे पानी की किल्लत दिल्ली में है। एक चीज़ तो जरूर बोल सकता हूँ, दिल्ली जल बोर्ड वालों को शायद ठीक है, जो यमुना, हमारा यमुना का बैराज है उसको जरूर विजिट करना चाहिए, और केवल मात्र यमुना ही नहीं, आज जो हालात भाखड़ा नंगल डैम की है, मुझे लगता है क्राइसिस केवल मात्र दिल्ली के नहीं है, टीवी अखबार में रोने से दिल्ली की प्यास नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक प्रॉब्लम है। पंजाब के अंदर भी वाटर शॉर्टेज आएगी, हरियाणा में भी आएगी, राजस्थान में भी आएगी, और तो और दिल्ली के अंदर और वेस्टर्न यूपी के अंदर भी ये शॉर्टेज दिखेगी। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा, और दिल्ली अपना शेयर दे, कसाव रेणुका लखवार डैम के अंदर अपने हिस्सेदारी को डाले, पैसा रिलीज करे, और अपने डैम्स के मात्रा से पानी की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने का काम करे। नैना चौटाला जी ने कहा है कि भाई कुछ वादे पूरे किए हैं हमने, और मैं ये मांग करती हूँ कि क्या वर्षों तक ये बुढ़ापा पेंशन है इसको ले जाना चाहिए, क्या इसी बजट सेशन में वो पूरा एक बार में एक्सटेंड हो? एक दिन में तो सारे वादे पूरे दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र के ऊपर म्यूचुअली 33 चीज़ें प्राथमिक तौर पर एग्री हुई थी, जिसको हमने ईयर वन में इम्प्लीमेंट किया, उसके अंदर बड़े ऐतिहासिक निर्णय भी हुए। आगे जो बैलेंस अनाउंसमेंट है उसको हम की उम्मीद कर सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं ग्रामीण हैं, आप चिंता ना करें, 12 तारीख को आप लोग भी उत्साहित दिखेंगे कि हमने बुजुर्गों के सम्मान को भी बढ़ाने का काम किया और युवा के हुनर को भी नहीं ताकत दी। सुरेंद्र पब्लिक कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा जब किसान आंदोलन चल रहा है, देश प्रदेश में ऐसे हालात तो बात ठीक है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा उन 40 नेताओं को कि आज आप दिल्ली के बॉर्डर को बंद करे बैठे, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे दो इंडस्ट्रियल टाउन तराई में और बहादुरगढ़ में आ रहा है, एक जो फुटवेयर हब है, एक जो एक्सपोर्ट हब है। आज केंद्र से आप चर्चा को शुरुआत तो करिए, किसान को तो, किसानी को तो आप कमज़ोर कर रहे हैं, वही दूसरी ओर पर हमारे इंडस्ट्रीज़ को भी कमज़ोर कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं वो फैक्ट्री बंद होने के कारण अपने अपने प्रदेशों को वापस जाने का काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं, और हमारा तो प्रयास है, मैं केंद्र से भी इस बारे में चर्चा करूँगा, जो लॉस इस दौरान हुआ है कहीं ना कहीं अगले वित्त वर्ष के GST के अंदर एटलीस्ट उन कंपनीज़ को जो पिछले 100 दिनों से ऊपर से बंद है उनको रिलीफ दिया जाए, जिसके मात्रा में उनका सर्वाइवल रिजॉल्व होगा। नहीं, आपने कहा निश्चित तौर पर केंद्र से ही बातचीत उनको करनी है, तो आगे मूव ऑन कैसे करेंगे, ये टेक्निकल सवाल है ना। तो आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग वहाँ भी कवरेज करते हैं, आप लोग उनसे पूछिए कि वो आज चर्चा से कतरा क्यों रहे। तो सीधा कहते हैं साफ तौर पर, कई बारी बारी बिना चर्चा के कोई भी चीज का समाधान नहीं निकलता, वापिस लेने के लिए भी आपको जाना तो पड़ेगा, आप बैठिए तो सर, और केंद्र के प्रस्ताव के ऊपर अगर चर्चा होगी तभी किसानी बचेगी, नहीं तो आप किसानी को कमजोर। सर एक और किसानों ने अपील की है, सर एक ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।